ये पूरा पहले घर था, ये हाँ, पूरा वहां तक पहले पूरा घर था सर। इसके बाद में सैलाब आया बहुत भयंकर, वो कटाव कर दिया, लोग इधर उधर भागना चालू कर दिए। अभी भी कोई लिमिट नहीं है कि रात में या कब काट देगी। उनका घर गिर गया है, घर गिर गया, गिर गया। उनसे पूछिए उनका घर गिरा। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा अपना? मुख्तार मियां। कौन सा घर है आपका? ये वाला हम लोग का घर था जो पानी में बह गया। प्रशासन की तरफ से अब तक कोई यहाँ पे? नहीं, कोई राहत नहीं, कोई राहत नहीं मिला है। नमस्कार, मैं आशीष कुमार। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल इस गांव की स्थिति क्या हुई है। हमारे सामने जो नदी बह रही है इसमें जल का स्तर कितना बढ़ चुका है, आप जरा किनारे पे दिखाएं। इस नदी के ठीक किनारे जितने भी घर बसे हुए थे उन सभी घरों की क्या स्थिति हो चुकी है, आप जरा करीब से दिखाएं। सारे के सारे घर जो है वो तहस नहस हो चुके हैं। बता दें कि पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ये सिंघही गाँव है, और ये जो बांध है इस बांध को भी सिंघही बांध ही कहा जाता है। आसपास में जितने भी गांव हैं, जितने भी घर हैं इस बांध के, वो सभी अभी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। यहाँ के लोग गांव के भीतर जा चुके हैं। विशेष जानकारी हम यहाँ के लोगों से ही लेते हैं कि किस प्रकार की समस्या का इनको सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बीते दिनों में नेपाल में भारी बारिश की वजह से गंडक में करीब 5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर गंडक का जल स्तर बढ़ता है, नेपाल और भी पानी छोड़ता है, तो फिर पूरा का पूरा गांव जो है वो जलमग्न हो सकता है। आप लोग जरा करीब आइए, आप लोग जरा मुझे बताइए गांव का नाम क्या है? सिंघही। सिंघही सिंघही है जी सर। ये नदी कौन सी है? गंडक नदी है। गंडक नदी है, बहुत कटाव हो रहा है। हाँ। मतलब सर यहाँ से कटाव तो अभी नहीं हो रहा होगा ना, अभी तो ये जल स्तर पानी है तो अभी नहीं हो रहा है सर। अभी 100-200 घर तो हट गया है यहाँ से। अच्छा, घर था 100-200 कम से कम हट गया है। हाँ। अगर ये पानी अगर जाता है तो समझिए बेतिया तक क्षति करेगा पानी। बांध टूट जाएगा तो बहुत क्षति करेगा। तो आप जरा इधर आइए सर, आप जरा इधर आए। हम जो अभी मंजर देख रहे हैं यहाँ पे जी, फिलहाल बांध के बहुत करीब पानी आ चुका है। आप लोग बताएं, चूंकि आप लोग यहाँ के प्रॉपर बाशिंदे हैं, आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं, बारिश अभी 2 अक्टूबर तक ऐसी ही होनी है, ठीक है? कब तक ये संभावना आप लोगों को लग रही है कि पूरा का पूरा गांव जो है वो पानी से डूब जाएगा, पानी जो है वो गांव के अंदर प्रवेश कर जाएगी? रात से पानी जो है लगातार बढ़ रहा है। हाँ। जिसके कारण अभी डर का जो माहौल बना हुआ है सभी लोगों में, ये पानी काफी कम हो गया था, कटाव भी रुक गया था। हाँ। और यहाँ आज से 10 दिन पहले यहाँ भीषण कटाव था। आप देख रहे हैं नदी, और लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी तक गांव था, और यहाँ लगभग लगभग 50-100 ऐसे घर थे जो। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूर तक पूरे गांव का ही फैलाव था? जी, 1 किलोमीटर तक। आप देख रहे हैं उस पार, जहाँ आप जरा उधर दिखाएं, कल जो पानी छोड़ा गया है 5 लाख से ऊपर का पानी जो छोड़ा गया है। हाँ। उससे जो यहाँ की स्थिति जो है वो भयानक हो चुकी है, और यहाँ पे बारिश भी हो रहा है तो काम अभी तो कुछ हो नहीं रहा है। और हमारे जो यहाँ अधिकारी लोग जो हैं वो निरीक्षण करके चले गए हुए हैं। हाँ। तो अगर इससे पानी ज्यादा बढ़ता है, बांध के करीब जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। क्या लगता है आप लोगों को, चूंकि बारिश लगातार हो रही है और बारिश की जो रफ्तार है वो भी काफी तेज है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है, चूंकि इसके पहले भी ऐसे कई वाक्य हो चुके हैं, कब तक पानी जो है नदी का वो बांध को पार कर सकती है या फिर बांध के बहुत करीब आ सकती है? ये 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हाँ। तो उससे पानी जो है बांध के करीब पहुंच जाएगा। हाँ। अगर उसके बाद अगर बारिश होती रही और उसके बाद जो पानी छोड़ा जाएगा तो शायद बांध के उस पार भी पानी चले जाए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर अब गंडक का स्तर बढ़ता है जी, जी, तो फिर पानी जो है गांव के भीतर तक चला जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि रात भर आप लोगों को जग के ही बिताना पड़ रहा है कि कब नदी का स्तर बढ़े और कब पानी आ जाए। जी जी जी, बिल्कुल। सारे लोग जो है गांव के, आप देख रहे हैं कि बांध पे इतनी बारिश में। आप जरा दिखाएं इधर का पूरा, आप मंजर दिखाइए जी।
सभी लोग जो है डरे हुए हैं और यहाँ से कुछ लोग पलायन भी कर चुके हैं अपना सामान मल लेके कहीं निरंतर जगह जहाँ मतलब जिसको सुविधा जहाँ पे है। वैसे यहाँ पे सारे लोग जो है वो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास ना रहने का घर है ना खुद का जमीन है और यहाँ कैसे भी जीवन बसर चल रहा है। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है अगर एक दो दिन में अगर नियंत्रण में नहीं हुई तो फिर यहाँ फिर से भूचाल मचने की संभावना है। चलिए ठीक है, हम उन लोगों से भी अभी बात करते हैं जिनके घर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और जिनको यहाँ से पलायन करके गांव के भीतर जाना पड़ा था। आपन घर कहाँ पड़ी? ये जबा ये बा बनवा के जो किनरवा देखा था सुनो। हाँ ये हाँ तो ये तो बा घर इनका घर गिर गया है। घर गिर गया? हाँ गिर गया। इनसे पूछिए इनका घर गिरा। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा अपना? मुख्तार मियां। कौन सा घर है आपका? ये वाला हम लोग का घर था जो पानी में बह गया यहाँ पे। कब बहा है ये? 10 दिन पहले। 10 दिन पहले बहा है। यहाँ न कोई MP है न कोई विधायक है। यहाँ का पुल पास हुआ कहाँ कहाँ ले गया वो भी संभावना नहीं है कि कहाँ बने। आपका भी घर डूबा है? हमारा भी घर डूबा है। उधर है आगे में है आपका घर? उधर है। चलिए सामान वगैरह सब बह गया। आप चलिए दिखा। चलिए आइए हम जरा दिखाते हैं। यह घर है। अच्छा यही वाला है? खींच कर फेंका हुआ है। ये कब डूबा है? 10 रोज पहले। अच्छा एक चीज बताइए, जब आपका घर डूबा था तो ये दिन में था कि रात के समय? वो 12 बजे रात के कटा। 12 बजे रात? कोई प्रशासन नहीं था। पहले से अलर्ट नहीं किया गया था? कुछ नहीं, सब कुछ लोग देख कर चले गए थे लेकिन कुछ नहीं कहे। सामान वगैरह सब बह गया? सब बह गया, कुछ नहीं निकला। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। नाम क्या हुआ? हमारा नाम राजेश्वर इब्राहिम। ये पूरा पहले घर था? ये पूरा वहाँ तक पहले पूरा घर था सर। इसके बाद में सैलाब आया बहुत भयंकर, वो कटाव कर दिया, लोग इधर उधर भागना चालू कर दिए। अभी भी कोई लिमिट नहीं है कि रात में या कब काट देगी ये नदी। मतलब जलस्तर बढ़ रहा है तो आप कटाव मत कीजिए। देखिए कटाव क्या होता है, जब नदी का जलस्तर कम होता है ना तो फिर मिट्टी कटने लगता है, तो ये कटाव नहीं है अभी जी। अभी ये बाढ़ की स्थिति बन रही है तो आप ये कहिए जी। जी सैलाब बढ़ते हुए जा रहा है ऊपर को। हाँ। अब बढ़ने के बाद अब पता नहीं कब क्या कर देगी। अब इसके नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद आबिद। आपका घर इधर ही कहीं था? यही है सर, सिंगई गदियानी में सर। अच्छा यहाँ पे भी कई घर था जो डूब गया? जी यहाँ पे कई घर थे ये सब डूब गए सर। नहीं आपका भी घर यहाँ पे था? हमारे घर इसके बगल में है सर, ये बांध के मतलब बगल में हम लोग रहते हैं, यहाँ भी थे हम लोग। बहुत परेशानी में यहाँ के लोग जी रहे हैं, सुन सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हम लोग दुखी में है सर, बहुत दुखी में है सर। डर तो भाई बना रह रहा है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और जलस्तर भी बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है इसके पहले दर्जनों घर जो हैं वो डूब चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं, तो वहां के लोगों ने पीछे अभी सहारा लिया है, अपना बसेरा पीछे बनाया है। लेकिन डर इसी बात का है कि जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, पानी जो है बांध को पार करके कहीं गाँव में ना घुस जाए, और ये संभव भी हो सकता है। यहाँ के लोग पूरी रात जग रहे हैं। लोगों का ये कहना कि हालांकि अब तक किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक मदद इनको नहीं मिली है, लोग खुद से ही एक दूसरे की मदद करके किसी प्रकार से जुगाड़ की स्थिति में अपनी जान बचा रहे हैं, अपने घरों को बचाने में जुटे हैं। पूरी जानकारी हमने आपको दी। पश्चिम चंपारण से लोकल 18 के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट।